लोकसभा स्पीकर ओम बिरला रामदेवरा पहुंचे, जहां उनके साथ प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हीरालाल नागर और ओएसडी राजीव दत्ता भी मौजूद रहे। रामदेवरा स्थित हेलीपैड पर स्पीकर ओम बिरला की डीएम प्रताप सिंह ने अगवानी की, वहीं पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। बिरला ने होटल रामदेव से रामदेवरा समाधि स्थल तक पदयात्रा की और लोक देवता बाबा रामदेव जी की समाधि पर विशेष पूजा अर्चना कर देश में अमन चैन और खुशहाली की कामना की। इसके बाद ओम बिरला ने राम रोड में आम श्रद्धालुओं की तरह बैठकर भोजन भी किया। अनूपगढ़ जिले के घड़साना में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। दरअसल जनतावाली गांव के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दो युवकों को कुचल दिया, जिससे दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया। मृतक सुनील और विशाल रावला मंडी के निवासी थे। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी है। और झुंझुनू के सबसे बड़े सरकारी महिला कॉलेज एनएमटी महाविद्यालय के खेल मैदान के बीच से बिजली की लाइन लगाए जाने का विरोध अब शुरू हो गया है, जिसे लेकर एसएफआई के प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज गुर्जर के नेतृत्व में एसएफआई ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद जिला कलेक्टर एसी अजमेर डिस्कॉम और कॉलेज के प्रिंसिपल को मांग पत्र भी सौंपा गया, जिसमें बताया गया है कि खेल मैदान के बीच में बिजली का पाल लगाकर 33 केवी की हाईटेंशन बिजली के तार लगाए जा रहे हैं, जिससे हर समय छात्राओं के बीच भय का माहौल रहेगा। हमारी मेन मांग यही है बिजली विभाग से, जो हमारे खेल ग्राउंड है या फिर हमारा जो हॉस्टल उससे ऊपर से वो बिजली के तारों का लाइन गुजार रहे हैं, जो हमारे लिए एक भय का माहौल पैदा कर रहा है। जो हमारी खेल गतिविधियाँ उनके मामलों में भी हमें बहुत अवरोध उत्पन्न होगा, तो यही हमारी सबसे मेन मांग होगी। संगठन एसएफआई ने आज जिले की जो नेत्राम गर्ल्स कॉलेज है इसके अंदर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन इस बात को लेकर किया है कि यहाँ कॉलेज परिसर का, कॉलेज का खुद का जो खेल ग्राउंड है, जिसके अंदर एक बास्केटबॉल का ग्राउंड है और यहाँ पे छात्रावास भी है लड़कियों का, और उस छात्रावास और कॉलेज के जस्ट बिल्डिंग के पास यहाँ 33 केवी लाइन के पोल लगा दिए गए हैं बिजली विभाग की तरफ से। हम बिजली विभाग से और जिले के प्रशासन से और कॉलेज प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इन जो हाई टेंशन लाइन जो यहाँ से जा रही है कॉलेज परिसर के जस्ट नज़दीक से या खेल ग्राउंड के बीच से, इनको यहाँ से स्थानांतरित किया जाए, क्योंकि खेल की गतिविधियाँ हैं वो अवरुद्ध होंगी और बिजली के तारों से खेल ग्राउंड के अंदर खेलने वाली छात्राओं के अंदर भय का माहौल बना रहेगा। एसएफआई ये मांग करती है कि जल्द से जल्द लगे हुए पोलों को हटाया जाए और इस लाइन को यहाँ से स्थानांतरित किया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो छात्र संगठन एसएफआई एक बड़ा आंदोलन धरना प्रदर्शन करेगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी इस प्रशासन की। और कोटा के गवर्नमेंट कॉलेज में अव्यवस्थाओं को लेकर एबीवीपी के छात्रों ने पानी और कीचड़ में बैठकर प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज के लिए नई बिल्डिंग का निर्माण किया गया है, लेकिन सीवरेज ड्रेनेज जैसी कई सुविधाओं का प्रोविजन नहीं किया गया, जिससे कॉलेज परिसर में पानी भरा रहता है। कॉलेज में आने जाने के रास्ते में भी पानी भरा हुआ है, कई जगह गड्ढे भी हैं। स्टूडेंट्स को जूते हाथ में लेकर निकलना पड़ता है और काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो कोटा के गवर्नमेंट कॉलेज में अव्यवस्थाओं को लेकर इन छात्राओं ने प्रदर्शन किया है। एबीवीपी के छात्राओं ने जमकर प्रदर्शन किया और कहा कि पानी कॉलेज में भरा रहता है, जिस वजह से आने जाने में सभी छात्र और छात्राओं को परेशानी होती है। किसान संघ की ओर से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया गया। तो वहीं इससे पहले झालरापाटन स्थित महाराज हरिश्चंद्र कृषि उपज मंडी प्रांगण में खुला अधिवेशन किसान शक्ति संगम आयोजित किया गया, जिसकी गौरक्षधाम सेवा प्रन्यास के बाबा निरंजन नाथ अवधूत ने अध्यक्षता की। किसान शक्ति संगम में सभा के बाद बैलगाड़ी ट्रैक्टर समेत अन्य वाहनों के साथ रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए बड़ी संख्या में किसानों ने मिनी सचिवालय कूच किया, जहां जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ को विभिन्न मांग को लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। चलिए जयपुर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की है। 27 बीघा भूमि पर दो अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया है। जोन 13 दौलतपुरा दिल्ली रोड बाईपास पर यह कार्रवाई हुई है।
जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जयपुर विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। दो अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया है। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया तहसील के गांव में दो नाबालिग बहनों के साथ गैंगरेप के मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी और परिवार को आर्थिक सहायता की मांग को लेकर दलित समाज ने हनुमानगढ़ के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है, जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं इस दौरान हनुमानगढ़ के दौरे पर आए राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष राजेंद्र नायक भी धरना स्थल पहुंचे और दलित समाज के साथ वार्ता की। देखिए, सरकार को तो डे वन से पता था, और ये क्या है कि घर में तो अपन ने जब चाहे जैसे कर ले, तो कई प्रोसीजर्स होते हैं उनको, क्योंकि जस्टिस कि ऐसा ना हो। जस्टिस का क्या है मेन उद्देश्य है कि एक किसी निरअपराधी को सजाना मिल जाए, चाहे 99 अपराधी चले जाए, तो ये है न्याय। तो उस न्याय का एक प्रक्रिया होती है और उसको काफ़ी कुछ फास्ट ट्रैक किया गया है, तो मैं डिटेल में आपको इस पर मैं उन्हें कहूँगा। इसलिए सरकार की तरफ से कोई डिले नहीं है, कोई नहीं है, और कहीं पर अगर कुछ हुआ है कहीं पर किसी जगह है, तो हम उस पर नेसेसरी एक्शन लेंगे। लगभग 30-40 लोगों ने गैंगरेप किया था। इस घटना की सबसे पहले हमने जो जानकारी थी वो एसपी को दी थी, लेकिन एसपी ने कोई भी काम, सरकार के दबाव या जो भी लोग हैं उनके दबाव के कारण अभी तक कोई भी प्रयास नहीं किया। तो इसी के उपलक्ष्य में आज हमने और अब खबर अजमेर के पीसागंज से है, जहां सरकारी परिसर में जलभराव से बदहाल है राजकीय महाविद्यालय। बता दें कि सीबीईओ ऑफिस, आंगनबाड़ी केंद्र जलमग्न हो गए हैं। एसडीएम विकास अधिकारी को कार्मिकों ने सूचना दी है, लेकिन जल निकासी का कोई रास्ता नहीं निकाला गया। परिसर बाहर पक्के निर्माण से निकासी रास्ते हुए हैं बंद। 2 से 3 फीट जलभराव से भवनों में नुकसान हुआ है, लेकिन समाधान नहीं होने से हालात जस के तस बने हुए हैं। बस स्टैंड के पास जवाहर स्कूल परिसर का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आंगनवाड़ी केंद्र पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। सरकारी परिसर में जलभराव से हाल बदहाल हो गया। और अब खबर आपको डीग से बता देते हैं, जहां कार और बाइक में जबरदस्त भिड़ंत हुई है। भिड़ंत के दौरान एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक पर बैठा दूसरा युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। गांव वालों की सहायता से डीग अस्पताल में युवक को भर्ती कराया गया। डीग मार्ग पर सेव गांव के पास ये घटना घटी है। मजलूम हॉस्पिटल लेके आए, इस सूचना पे हम सीएससी डी आए, यहाँ जानकारी की, तो जानकारी पता चला जिसमें एक बच्चे की डेथ हो गई है, एक बच्चा घायल है। ये दोनों अपने डी से कामा की तरफ अपने घर पर जा रहे थे, कामा के रहने वाले, और सामने से जो वाहन आ रहा था वो ईगो गाड़ी है, अज्ञात वाहन है, नंबर नहीं देख पाए उसके, और जो घायल है उसको यहाँ से इलाज के लिए रेफर कर रहे हैं। और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर में पांडुपोल हनुमान जी मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने भ्रतहरि धाम में पूजा अर्चना की और मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान उनके साथ राज्य वन मंत्री संजय शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीका राम जूली भी मौजूद रहे। तो वही इस मौके पर मेला कमेटी ने केंद्रीय मंत्री सहित नेता प्रतिपक्ष टीका राम जूली का साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया। ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। मेवात क्षेत्र में 2.36 लाख संदिग्ध सिम और 2.29 लाख आईएमईआई नंबर ब्लॉक करवाए गए हैं। डीजी साइबर क्राइम हेमंत प्रियदर्शी के सुपरविजन में यह अभियान चला। 2 महीने में 5,000 से ज्यादा चोरी और गुम हुए मोबाइल ट्रेस कर धारकों को लौटाए गए हैं। और अब खबर आपको उदयपुर से बता देते हैं, जहां गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैडम पहुंचे हैं सर्किट हाउस। बीजेपी नेताओं सहित कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। आईजी अजयपाल लांबा, वहीं जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल, पुलिस अधीक्षक सहित अधिकारीगढ़ सर्किट हाउस पहुंचे। अधिकारियों की गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैडम ने बैठक ली, जिले भर में कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा की।
महिला एवं बाल विकास विभाग के शासन सचिव महेंद्र सोनी ने ICDS विभाग की समीक्षा बैठक की। इसके साथ ही उन्होंने जयपुर स्थित ICDS मुख्यालय का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने स्वच्छता साफ सफाई का ध्यान रखने के विशेष निर्देश भी दिए। तो वही कर्मचारियों और अधिकारियों को विभागीय कार्यों में पेंडेंसी नहीं रखने के भी निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सोनी ने राष्ट्रीय पोषण माह में बेहतर प्रदर्शन करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। महिला एवं बाल विकास शासन सचिव महेंद्र सोनी ने ICDM मुख्यालय का किया निरीक्षण। साफ सफाई के दिए निर्देश, पेंडेंसी अधिकारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। जी हां, सोमवार को महिला एवं बाल विकास शासन सचिव महेंद्र सोनी अचानक ICDM मुख्यालय पहुंचे और उन्होंने साफ सफाई देखी। इस दौरान अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। ICDM निदेशक OP बुनकर को दिशा निर्देश जारी किए हैं कि जो भी अधिकारी लापरवाही बरतेगा उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करे। उनके द्वारा लगातार निरीक्षण भी किया जाएगा। हरिशंकर त्यागी के साथ मैं। चित्तौड़गढ़ के कपासन में बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल एक बाइक सवार अवैध रूप से रेलवे ट्रैक पार कर रहा था। इसी दौरान ऋषिकेश एक्सप्रेस वे ट्रेन आ गई और बाइक सवार मौके पर ही बाइक छोड़कर भाग गया। इस दौरान ट्रेन की टक्कर से बाइक में आग लग गई और करीब 800 मीटर तक घसीटती हुई चली गई। हादसे के बाद लगभग 20 मिनट तक ट्रेन रुकी रही। इधर RPF ने जली बाइक की नंबर प्लेट के आधार पर बाइक मालिक की तलाश शुरू कर दी है। जयपुर कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली, जहां कलेक्टर ने विभागवार फ्लैगशिप योजनाओं एवं बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में डॉक्टर सोनी ने कहा कि जन परिवेदनाओं का स्थानीय स्तर पर ही समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान किया है, ताकि परिवादी को जिला स्तर तक ना जाना पड़े। साथ ही उन्होंने 10 दिसंबर तक जिन सरकारी स्कूलों में बिजली कनेक्शन नहीं है वहाँ विद्युत कनेक्शन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं।